बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बनाएं या ट्रैवल के लिए बनाएं, ये बहुत ही आसान और टेस्टी स्नैक की रेसिपी है जो सभी को बहुत पसंद आएगा। और इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप लेंगे गेहूं का आटा। और आज हम बना रहे हैं बच्चों का फेवरेट चिजलिंग। और छोटी सी बटर की क्यूब लेंगे और इसे ग्रेट कर लेंगे, जिससे चिजलिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और चिजलिंग है तो यहाँ 3 क्यूब ली है ये प्रोसेस चीज, और इनको भी ग्रेट कर लेंगे। बिना कोई मोइन डाले, बिना कोई तेल डाले हम सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3/4 कप दूध के साथ इसका हम सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। इसका जो डो है इसे हमें ऐसे लगाना है कि हम आसानी से बेल पाए, ना तो ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज हो। यहाँ पर हमने ये डो लगा लिया है। दूध डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और जो चिजलिंग का कलर है वो भी अच्छा आएगा। के लिए 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए रखते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब स्टोव में से हम एक छोटी सी बोल लेंगे और इसे हमें एकदम पतला बेलना है। ना जितना पतला हम इसे बेलेंगे उतने ही जल्दी बनेंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और अच्छे से फूलेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी और पतली चपाती बना ली है। तो अब हम इन्हें छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है घर पर चिजलिंग बनाना। आप चाहें तो पूरा मैदा लेकर भी ये चिजलिंग बना सकते हैं, एकदम मार्केट के जैसे टेस्टी बनते हैं। जैसे ही हम इन्हें कट करें ना, हमें इन्हें तुरंत ही फ्राई करना है, इन्हें बना करके नहीं छोड़ना है। और इस तरीके से इन्हें उतार लेंगे और गर्म तेल में डाल देंगे। अभी जो तेल है वो थोड़ा सा ठंडा है, तो एकदम तेज गर्म तेल में भी इन्हें नहीं डालना है। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये देखिए ये जो क्यूब्स है एकदम से ऊपर नहीं आ रही है। अगर ये फटाफट से, अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा ना, इनका कलर जल्दी से डार्क हो जाएगा। फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है और लो फ्लेम पर ही इन्हें दोनों साइड से क्रिस्प होने तक फ्राई करना है। इस तरीके से पलटते रहें जिससे इनका कलर भी चेंज ना हो और ये अच्छे से फूल भी जाए और क्रिस्पी भी बने। और ये देखिए चिजलिंग बहुत अच्छे से फूले हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, दोनों साइड से क्रिस्प हो गए हैं। आप हाथ में लेकर इन्हें चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, क्योंकि गेहूं का आटा हमने इसमें डाला ना, तो थोड़ा सा कलर इसका डार्क होगा ही। तो अगर आपको एकदम वाइट बनाना है तो आप गेहूं का आटा स्किप करके मैदा ले सकते हैं। और बस ये होममेड चिजलिंग बनकर के तैयार है, जिन्हें आप ट्रैवल के लिए भी ले जा सकते हैं। देखा कितना आसान है, झटपट से बन जाते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे। इससे लेके आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।